ट्रेल में देखते हैं पैड को डिटेल में। ये एक प्लेन है और इस प्लेन पे मैं एक स्केच क्रिएट करता हूँ। जस्ट ड्रा स्केच। ओके नाउ एग्जिट वर्कबेंच। जस्ट क्लिक ऑन पैड एंड नाउ सिलेक्ट डायमेंशन, हम लोग देख चुके थे। अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट करते ही जहाँ इसको ये रेफरेंस सरफेस मिल रहा होगा वहाँ तक आगे, इसके आगे जो भी रेफरेंस सरफेस है वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। देन ओके, अभी हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। कंट्रोल जेड से हम पीछे जाते हैं, अंडू करते हैं और फिर नेक्स्ट कमांड को देखने के लिए उससे पहले एक यहाँ कमांड है ड्रेसिंग कमांड में सेल, इसको हम अप्लाई करते हैं और इस फेस को रिमूव कर देते हैं। केवल इफेक्ट देखने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब आप देखिए ये यहाँ से मटेरियल रिमूव हो चुका है, मीन कि ये इसकी जो वाल थिकनेस है वो दिए हुए अनुसार 1 mm थी और ये 1 mm की वाल बन गई है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस स्केच एंड पैड। नाउ क्लिक ऑन अप टू लास्ट। अप टू लास्ट मीन्स कि जो इसको लास्ट सरफेस मिल रहा होगा, लास्ट रिफरेंस मिल रहा होगा वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। अब प्रीव्यू में करूँ तो ये पूरा यहाँ तक आ गया था, जबकि अप टू नेक्स्ट में क्या था, इसको जो पहला सरफेस मिल रहा था, मीन कि जहाँ पहला रिफरेंस मिल रहा था वहाँ तक एक्सटेंड हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, जस्ट इसको कैंसिल करते हैं और फिर देखते हैं। अप टू प्लेन, क्लिक ऑन पैड। अप टू प्लेन मीन्स कि अगर हम अप टू प्लेन कर लिए, और आपको मैं बता दूं कि पहले भी बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके लिए यही प्लेन हो, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका सरफेस भी प्लेन हो सकता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें या फिर इसको सिलेक्ट कर लें तो वो मटेरियल वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। जो आपने क्लिक किया वो आपका रेफरेंस होगा और वहाँ तक मटेरियल पैड हो जाएगा। ठीक है, अगेन इस पर डबल क्लिक एंड नाउ से ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in next tutorial. Till then, bye.